बड़ी खबर सामने आ रही है, पीके ने पार्टी का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का ऐलान हो गया है। और उसके लिए एक रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जो मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव गांव में कही है, भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए, तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर, 4%। अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई ना कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं आप? ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं ना? इसको आगे बढ़ाया जाए ना? ये पांचों से भला होगा ना बिहार का? तो ये सब हो जाएगा तब ना होगा जब सरकार बनेगा। सरकारें नहीं बनेगा तो खाली भाषणें होगा। तो सरकार बनाने के लिए लोग कहे ये भैया पैदले चलते रहिएगा, पटिया न बनवाइए, तो पार्टी बन गया। पार्टी बन गई, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक तो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, देखिए कैसे सब एकदम ध्यान से सुनने को खड़ा हो। अपना बच्चा का बात हुआ तो सो रहा था, आज जैसे बोले कि दल का अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं तो देखिए कैसे सजग हो गया। तो जो अभी दल के अध्यक्ष बनेंगे उनका परिचय कराऊं, उससे पहले आपको बता रहा हूं कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे हैं। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई ना कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए।
तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा दो बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईपीएस आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। चार देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, चार देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहां खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहां अच्छा, तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए, फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो होशियार थोड़े हैं ना, इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी वाई बी गिरी, यहां के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहां हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहां हैं जो यहां के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना, केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए हैं कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है। इसी समाज को मत के
ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है, क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहें। कल लीडरशिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषणा भी होगी अन्य सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा कि भारती जी आपसे दो शब्द मुखातिब हों, और इसके बाद अभी भागना नहीं है। जन सुराज के संविधान की जो 5 बड़ी बातें हैं, जो आपसे जिसका सीधा सरोकार है, उसकी भी घोषणा अभी की जाएगी। तो 5 मिनट इनकी बात सुनिए और उसके बाद हम लोग इस पर वापस आते हैं। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथी गण, माताएं बहनें, मंच पर विराजमान देवियों सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी।